पार्षद ही महापौर चुनेंगे और ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराया जाएगा। जब से निर्णय हुआ है तब से राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने स्वाभाविक रूप से अपनी सरकार के फैसले का स्वागत किया तो वहीं भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर निगम चुनाव के पहले सरकार के निर्णय को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश सरकार कमेटी के प्रवक्ता की माने तो बैलेट पेपर से अपराध कम होता है, इससे मतदाता भी अपने वोट को लेकर आश्वस्त रहता है। छत्तीसगढ़ महापौर परिषद के पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि महापौर का निर्णय लेने से पहले पार्षदों का दबाव होगा। अगर पर्सनली मेरे से अगर पूछा जाए तो फिर मैं तो जनरल इलेक्शन ज्यादा बेहतर मानता हूँ, और बाकी तो जो शासन के निर्देशानुसार जो भी आएगा उस पर हम लोग सभी में तैयार हैं। बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो और अच्छा है, सामने सामने डालने वाला भी, मतदान देने वाला भी विश्वस्त है, स्वस्थ है कि मैंने कहाँ मतदान दिया, और गिनती के समय भी हर व्यक्ति स्वस्थ है कि तो ये जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी के मन में हार की घबराहट है। और जनता जो सीधे महापौर चुन के अपना प्रतिनिधि बनाती थी, उनका एक हक होता था महापौर के ऊपर, अब वो मुझे लगता है कि जनता को अब उतना ज्यादा वो उनको नहीं लगेगा, क्योंकि वो वोट सीधे महापौर को नहीं देंगे और महापौर को भी किसी वार्ड से यदि जीत के जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो किसी वार्ड के प्रति जहां से जीतेगा वहां वफादार रहेगा, और बाकी जगहों पे थोड़ा सा उसको काम करने में और जनता के प्रति प्रत्यक्ष चुनाव ना होने के कारण उसको थोड़ा सा अपनापन उतना महसूस।